हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोग आज हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए 11th और 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मैंने बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैं ऑलवेज सबसे पहले एनसीईआरटी का ही पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जितने भी है वो करवाऊंगा, और वो हो जाने के बाद नीट के डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स उसी चैप्टर के, जेई मेंस और नीट के मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी क्या है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होता है, एक ऐसे लिमिट जहां पे मैक्सिमम सॉल्यूबल होने के बाद उसके बाद सॉल्यूबल नहीं होता, वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बस वही चीज हम लोग गैस के बारे में भी बताने वाले हैं। यहां पे अगर डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन जो हमने दी थी लास्ट टाइम, वही द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख देता हूं एक बार वापस तो रिवाइज हो जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a given amount of liquid solvent at a definite temperature and pressure। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट, गैस का मैक्सिमम अमाउंट जब मैं लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो उस मैक्सिमम अमाउंट को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहां पे मैंने लिखा है एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस को जब मैं लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो वो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम जब सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तब टेम्परेचर प्रेशर शुड बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हो तो लिक्विड में सॉल्यूट का प्रोपोर्शन भी चेंज होगा, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ओके, यानी कुछ ऐसा समझ लो कि इट्स अ गैस सॉल्यूट और इस गैस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं और हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन और दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो जाता है इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ता है। चलिए, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। चलो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, विच आर दोस फैक्टर्स? ओके, फैक्टर नंबर वन, इट इज अ गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? देखिए, जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, ये तो पक्की बात है, लेकिन जो अमाउंट डिसॉल्व होता है वो हर एक गैस का डिफरेंट होगा, यानी जितना CO2 डिसॉल्व होता है उतना ही O2 डिसॉल्व होना चाहिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं, है ना, O2 जितना डिसॉल्व होता है उतना ही CO2, नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैंने 100 ml वाटर ले लिया, उस 100 ml वाटर में मैंने O2 डाला, फिर दूसरा 100 ml वाटर लिया उसमें CO2 डाला, तो इन दोनों ही केस में जो मैक्सिमम O2 डिसॉल्व होता है मैक्सिमम CO2 डिसॉल्व होता है दोनों ही केस में वो प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा, यानी हर एक गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी, सारे गैस इक्वल अमाउंट में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे CO2 है, जैसे O2 गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है,
इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है, दे आर लेस सोल्युबल। ऑन द अदर एंड अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूं तो उनके सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा हो जाती है ना। तो एन टू यू कैन से ओ टू यू कैन से सीओ टू, ये जो गैस है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही ज्यादा सोल्युबल होते हैं, हालांकि पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में कम सोल्युबल होते हैं। ऑन द अदर एंड जब मैं बात करता हूं NH3 और जब मैं बात करता हूं HCl की या फिर SO2 की, तो उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? दे आर सोल्युबल मोर इन अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा, ज्यादातर तो ये वाटर में सोल्युबल होके एसिड भी बना सकते हैं, यानी CO2 को आप इस क्लास में ऐड कर सकते हो क्योंकि इनके कंपैरिजन में CO2 गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक यहां पे हम लोग मिस्टेक कर दिए, तो यहां पे करेक्ट कर लेता हूं मैं। यहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि CO2 भी वाटर में थोड़ा ज्यादा सोल्युबल होता है कंपेयर टू N2 एंड O2। N2 और O2 के कंपैरिजन में CO2 ज्यादा सोल्युबल होता है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये सोल्युबल होके वाटर में एसिडिक सोल्यूशन बना देंगे, रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे CO2 एक कार्बनिक एसिड बना देगा, HCl सेपरेट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, HCl का गैसियस फॉर्म NH3 है, वो NH4 आयन बना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है इजिली, इसलिए इसका मैक्सिमम सोल्युबल होगा, इसका वाटर से इंटरेक्शन कम होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो कौन सा है? नेचर ऑफ सोल्यूटेंट सॉल्वेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है बेटा? इट इज टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करना, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट करना। एक सोडा बॉटल आती है कांच की, ग्लास है ना, ग्लास की सोडा बॉटल, तो वो ग्लास वाली सोडा बॉटल पैक एकदम वो लेना और राजस्थान के सबसे गर्म इलाका जो भी होता है वहां पे जाके सुबह 10 बजे रख दो। शायद ऐसा भी हो सकता है शाम होते होते वो पूरा सोडा बॉटल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, ग्लास फूट के सारे गैस जो है सेपरेट हो जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, फूट जाएगा, ब्लास्ट जैसा बॉम्ब फूटा वैसा हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान का सबसे गर्म इलाका यहां पे, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब होता है क्या है, सोडा वाटर में CO2 गैस डिसॉल्व होता है। जब मैं उसको हाई टेम्परेचर पे रख दूंगा तो जितना भी गैस वाटर में डिसॉल्व है वो अनडिसॉल्व होने लगेगा, यानी वाटर में से वापस गैस बन के बाहर आएगा। अब जब गैस बन के बाहर आता है तो होता क्या है, सोडा बॉटल पैक है, उसको स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस होगी नहीं, इसलिए वो स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडा के ग्लास के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब जितना अनडिसॉल्व पार्ट बढ़ेगा उतना ही उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक लिमिट के ऊपर जाएगा ना तो वो प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि बॉटल को ब्लास्ट कर देता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ज्यादातर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है, डिसॉल्व अनडिसॉल्व होने लगता है। अब ये होता क्यों है, उसका रीजन क्या है? देखिए, वापस मैं ये इक्वेशन पे अगर जाऊं तो हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, ठीक है। अब दोनों मिक्स हो रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, यानी सोल्यूशन बन रहा है। ये रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब यह हुआ कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उससे ज्यादा तो बाहर निकलेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज विल बी मोर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सोचो, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वो कहां पे अफेक्ट करेगा, जहां पे डेल्टा एच ज्यादा होगा, मोर नेगेटिव है ना। डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे अगर मैं प्लेस करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जाहिर सी बात है यहां की हीट एनर्जी बढ़ेगी। अब वही कहानी, लीच एटलियस प्रिंसिपल है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैक होती है, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं, अगर मैं उस फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को भी चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम वापस डिस्टर्ब हो जाएगा, वापस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वन में रिएक्शन हो जाएगी, और वो रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है ना। तो यहां पे भी सेम, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा एच इंक्रीज होगा, यानी यहां पे टेम्परेचर फैक्टर चेंज हो गया, यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया।
इसलिए वापस वन में रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन कौन सी डिरेक्शन में होगी? रिएक्शन होगी रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक यहां पे नया इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता। अब सोचो रिएक्शन रिवर्स जा रही है, रिवर्स जा रही है यानी सॉल्यूशन में जितना भी गैस डिसॉल्व है वो वापस गैस बनके सेपरेट हो रहा है, यानी अनडिसॉल्व पार्ट बाहर निकल रहा है। ये आपका अनडिसॉल्व गैस है और ये आपका डिसॉल्व गैस यहां पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो डिसॉल्व अनडिसॉल्व होगा, डिसॉल्व अनडिसॉल्व होगा यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉल्युबिलिटी बात है इसमें बीइंग एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। हालांकि कुछ ऐसे गैस है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से शुरुआत में थोड़ी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद वो कम होगी, ऐसे कुछ सॉल्वेंट है, लेकिन वो मैं नीट का अलग, जेईई मेंस और नीट का जो अलग डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा, यहां पे नहीं। ठीक है, ये हो गया सेकंड फैक्टर। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट, सारे सॉल्यूट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर में सॉल्युबल होते हैं पोलर। ठीक है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्ट करता है, पोलर पोलर इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर इंटरेक्ट करेगा, वो भी बता सकते हो, या फिर वाटर से इंटरेक्शन वाला केस भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और दूसरा है टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन होगी और सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा फैक्टर है बेटा प्रेशर। चलिए प्रेशर फैक्टर, प्रेशर अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। चलिए उसके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, यहां पर मैंने लिक्विड ले लिया है, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने गैस एड किया है। अच्छा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर दिया है, यानी इसके अंदर कुछ सॉल्युबल गैस होंगे, ये जो सर्कल दिखा रहा हूं ये सर्कल गैस पार्टिकल है, तो ये डिसॉल्व गैस पार्टिकल है और कुछ गैसेस पार्टिकल अनडिसॉल्व फॉर्म में यहां पे हमें दिखता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मूवेबल पिस्टन यानी फ्रिक्शनलेस पिस्टन, क्लियर, जिसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है यानी फ्रिक्शन यहीं पे रहे, सॉरी पिस्टन यहीं पे रहेगा। ठीक है, चलिए ये है हमारी बाउंड्री, इसके ऊपर गैसियस पार्टिकल है, इसके नीचे लिक्विड पार्टिकल और उसके साथ गैस पार्टिकल रिप्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं, तो पिस्टन अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, यानी ये जो पिस्टन यहां पे है वो मान लीजिए पे यहां पे आ गया। अब ये हमारी बाउंड्री फिक्स है, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री फिक्स है, यहां पे हमारा लिक्विड पार्टिकल भी है और गैस पार्टिकल भी है। चलिए ये हमारी बाउंड्री फिक्स है और इस बाउंड्री के नीचे ये हमारे गैस पार्टिकल भी है, डिसॉल्व फॉर्म है, ठीक है, ये डिसॉल्व फॉर्म है, गैस पार्टिकल भी है, और ये जो गैस पार्टिकल है जो अनडिसॉल्व है वो ऊपर की ओर है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं पिस्टन नीचे की ओर शिफ्ट होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, तो हम ऐसे मार्क करेंगे यहां पे कि गैस पार्टिकल का पहला जो रीजियन था पिस्टन नीचे शिफ्ट होने की वजह से उसका रीजियन कम हो गया है ना, पहले गैस पार्टिकल को इतना वॉल्यूम मिल रहा था, इतने वॉल्यूम में वो पूरे एरिया में मूव कर सकता था, अब उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, अब सोचो पहले केस में वाटर के साथ ये एक क्या बोलते हैं कोलिजन फोर्स अप्लाई करता था और उसकी वजह से वाटर से इंटरेक्ट होकर सॉल्युबल हो जाता था। ठीक है, कोलिजन फोर्स अप्लाई किया, वाटर में सॉल्युबल हो गया, इक्विलिब्रियम में इसलिए कुछ सॉल्युबल पार्ट अनडिसॉल्व, यानी गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये टू वे फिनोमिना, गैस पार्टिकल लिक्विड से कोलाइड होके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, अंदर सॉल्युबल हो गया, लेकिन ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट है इसलिए
डिसॉल्व पार्ट भी अनडिसॉल्व में कन्वर्ट होगा, यानी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूट दैट कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन गैस दैट रिमेन्स अनडिसॉल्व विल बिकम सेम। ये शब्द अब मैं क्या नोट करूंगा, इसके कंपैरिजन में देखो, इसके कंपैरिजन में यहां पे सरफेस पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बढ़ गए, ज्यादा हो गए। यहां पे सरफेस पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कम थे, यहां पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इंक्रीज होने की वजह से इसका वाटर से इंटरेक्शन भी बढ़ गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि जितनी सरफेस के आसपास नंबर ऑफ गैस पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना गैस जो है लिक्विड में एंटर होगा और सोल्युबल होगा। तो मैं क्या नोट कर सकता हूं कि अगर मैं इस केस में प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड की जो सरफेस है उस सरफेस के आसपास नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इंक्रीज होते हैं, वो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल सरफेस के साथ इंटरेक्ट होते हैं, सरफेस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद लिक्विड में लिक्विड के अंदर सोल्युबल हो जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब ये हो गया कि अनडिसॉल्व पार्ट डिसॉल्व होने लगेगा, दैट मींस अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो अनडिसॉल्व पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, अनडिसॉल्व पार्ट भी डिसॉल्व होने लगा है, इसका मतलब जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होने लगी है, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होने लगी है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, पहला फैक्टर था नेचर, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है प्रेशर। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड एक लॉ बनाया गया था, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ बनाया था, हेनरी लॉ जिसे हम बोलते हैं, रिलेटेड टू द प्रेशर। क्लियर? तो ये हेनरी लॉ क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, ये समझने के लिए पहले अगर आपको ये नोट करना है तो पॉज कर लो, ये सारी चीजें एक बार नोट कर लो, फिर हम हेनरी लॉ के बारे में समझते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ की। जैसा मैंने बताया कि प्रेशर से रिलेटेड है सोल्युबिलिटी, तो हेनरी सबसे पहले इसने ये लॉ दिया था, अगर किसी गैस के गैस जो है जो लिक्विड में डिसॉल्व है यानी सॉल्यूशन बना रहे हैं, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे, अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो जो गैस पार्टिकल है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है वो इंक्रीज होगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। डायरेक्टली कहने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें स्टेटमेंट क्या दिया था, एट अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर सॉरी At a definite temperature, the mass of a dissolved gas, the mass of a dissolved gas in a given amount of liquid solvent, in a given amount of liquid solvent is directly proportional, it is directly proportional, it is directly proportional to the pressure of, या फिर to the pressure, directly proportional to the pressure with which it is in equilibrium. अच्छा समझिएगा, प्रेशर इक्विलिब्रियम है। अब प्रेशर इक्विलिब्रियम क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लो, वापस लिख के बता रहा हूं। ये हमारा जो गैस है ये सॉल्यूट है, लिक्विड है सॉल्वेंट, और हम बना रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश का मतलब हो गया कि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व गैस है और लिक्विड के ऊपर अनडिसॉल्व गैस है। अब जाहिर सी बात है अनडिसॉल्व गैस है, गैस अनडिसॉल्व के फॉर्म में, यानी वो प्रेशर तो अप्लाई करेगा ही, है ना, वो प्रेशर तो अप्लाई करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे प्रेशर इक्विलिब्रियम। गैस का जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, अब गैस का प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाता है इसलिए हम प्रेशर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट,
हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो मास ऑफ गैस है सॉल्यूट, ये अरे यार सॉरी मास ऑफ गैस है सॉल्यूट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस, है ना। चलो मास को मैं एम से इंडिकेट कर देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन के आ जाएगी, इनटू हो जाएगा प्रेशर। अब आप बोलोगे कि सर मास क्यों लिया, मास क्यों लिया, सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और सोल्युबिलिटी क्या इंडिकेट करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, हम मास क्यों ले रहे हैं। ये इंडिकेट, ये जो लॉ है ये 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिया गया था और उस टाइम पे कंसेंट्रेशन का इतना ज्यादा नॉलेज हमारे पास था नहीं, हम लोग सारी चीजें जो डिसॉल्व होती है उसको मास के फॉर्म में मेजर करते हैं, यानी उस टाइम पे कंसेंट्रेशन के क्या पैरेलल, यानी कंसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो हम ऐसा बोल सकते कि मास ज्यादा यूज करते थे इंस्टेड ऑफ कंसेंट्रेशन, मास का कंसेंट्रेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया है ना। तो कंसेंट्रेशन कॉन्सेप्ट बाद में आया का मतलब है कि यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन जितने भी यूनिट्स है मोलारिटी वगैरह वो बाद में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किए गए थे। तो पहले जो कंसेंट्रेशन टर्म था वो मास के फॉर्म में हम लोग मेजर करते थे, इसलिए हम यहां पे मास लिख रहे हैं, क्लियर। अच्छा अब एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको पता ही होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता ही है, बायो वाले स्टूडेंट याद रखना ये इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मुझे ग्राफ ऐसे मिला, अब ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अब यहां पे जो एक्स के साथ मैंने एम लिखा है ये होता है हमारा स्लोप, इसका मतलब यहां पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये जो स्लोप हो जाएगा ये एम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एम की वैल्यू, ये जो सी होता है ये सी इंडिकेट करता है इंटरसेप्ट, ये जो सी है ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी जहां पे बाइसेक्ट करेगी लाइन, जहां पर कट करेगी वाई या एक्स एक्सिस जहां पे कट करती है वो इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर लू, बेटा समझो, अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर लू, एम इज इक्वल टू के इनटू प्रेशर और हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम जो है मास ये वाई एक्सिस पे आएगा, पी जो है ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेट हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ मुझे मिलेगा ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन ये वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यहां पे जो मेरा स्लोप आएगा दैट इज एम, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एम क्या हो जाएगा, इट विल बी के। लेकिन एक बढ़िया चीज है, एक बढ़िया चीज ये है कि प्लस सी होना चाहिए इंटरसेप्ट, अगर ये प्लस सी इंटरसेप्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, और इंटरसेप्ट नहीं है मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये ओरिजिन से पास होगा, जीरो से बाइसेक्ट करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। चलिए ऑन द कॉन्ट्रारी इंडिपेंडेंटली, डाल्टन करके साइंटिस्ट था उसने इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट ये दिया, किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी जो होती है वो उसी गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब उसी गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है ये उसने बोला था, अब उसने क्यों बोला कहने की जरूरत नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने स्टडी कर लिया है, हर एक गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई करेगा, तो जो सोल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई, जो भी गैस है मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस वाटर में कितना सोल्युबल होगा, तो फिक्स टेम्परेचर पे और प्रेशर पे नाइट्रोजन के गैस वाटर में कितना सोल्युबल होता होगा, तो अनडिसॉल्व नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सोल्युबिलिटी नाइट्रोजन के अनडिसॉल्व पार्ट के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगा गैस के पार्शियल प्रेशर पे। मान लीजिए ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दिया, अब सी वाटर में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वो इनफ है मैरीन एक्वेटिक लाइफ के लिए, सफिशियंट है, इतना ज्यादा नहीं है, अब उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का प्रेशर लगेगा वो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी सोल्युबिलिटी डिसाइड करता है,
अब इसमें और इसमें ज्यादा फर्क है नहीं, फर्क इतना है कि यहां पे मास यूज किया था हेनरी ने और इसने बता दिया सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी होता है कंसेंट्रेशन, तो डाल्टन ने इस सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी एम जो है वो सोल्युबिलिटी था पहले, लेकिन हम सोल्युबिलिटी मास के फॉर्म में मेजर कर रहे थे, लेटर ऑन सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे से रिलेट करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब आप बोलोगे गैस क्यों बेटा, सोल्युबिलिटी किसकी मेजर कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी गैस की मेजर कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका आएगा, गैस का ही आएगा। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड में डिजॉल्व फॉर्म है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व फॉर्म है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा एट दैट टेम्परेचर। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या है, लिक्विड में जितना सोल्युबल होता है। मान लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली रिलेट करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है ये लिक्विड में कितना डिजॉल्व है वो इंडिकेट करेगा, और ये है लिक्विड के बाहर जो गैस प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दो तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू के इनटू प्रेशर ऑफ गैस। अब ये जो के है इसको मैं लिख देता हूं केएच, के यानी कांस्टेंट, लेकिन इसको हम बोलेंगे एच यानी हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आया, क्लियर? तो ये याद रखना केएच। अब केएच से रिलेटेड कुछ अच्छी कहानी है, हर एक गैस का केएच वैल्यू सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, वो एक बढ़िया अपने आप में एक कहानी है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी एक अपने आप में कहानी है, लेकिन ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आया। क्लियर? केएच हेनरीज कांस्टेंट डिफरेंट गैस के लिए क्या रोल प्ले करता है, यानी इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर अब मैं बनाने वाला हूं उसके अंदर केएच सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट करता है, ये फॉर्मूला कहां से आया, प्लस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, किसी में डिक्रीज होगी, और किसी में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, वो एक कॉन्सेप्ट। यानी ये तीन कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट लेवल और मेन्स एडवांस लेवल के इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा उसमें आपको बताने वाला हूं। यानी मेरा अपकमिंग वीडियो लेक्चर होगा नीट और मेन्स एडवांस के ऊपर टोटली बेस्ड, उस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई कुछ लेना देना नहीं होगा, उसके बाद में हेनरीज लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वापस पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहिएगा, अच्छे मार्क्स लाते रहिएगा। एवरीवन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।